गाइस आप देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग जो सेटिंग है ये ऑन हो चुका है, और जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप अपना नंबर, रेंडमली कोई भी नंबर है वो आप यहाँ से डाल करके इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, और उस पे आपका जो नंबर है कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। फ़िलहाल मेरा इस नंबर पे कर रखा है मैंने, रेंडमली कोई भी नंबर डाल रखा है और इस पे आप भी डाल के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका ये जो कॉल फॉरवर्डिंग लग जाएगा, फ़िलहाल मैंने ऑफ़ कर रखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप शुरू से कि कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे। ये मेरे पास है लावा का फ़ोन, और लावा के किसी भी फ़ोन में आप इस फीचर्स को इसी तरीके से इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, सॉरी डायल पैड पे, उसके बाद इस पर क्लिक करना होगा, सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट्स पर, इस पर क्लिक करना है। सिम, एयरटेल आई डी, वोडाफोन जो भी होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन दिखिएगा, इस पर क्लिक कीजिए। वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों फीचर्स मिलता है, तो मैं वॉइस कॉल की बात करता हूँ, यानी कि जो ऑडियो कॉल होता है उसकी बात। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली ऑलवेज कॉल फॉरवर्डिंग फॉरवर्ड लिखा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आप अपना नंबर ऐड यहाँ पर कर सकते हैं जो भी चाहे, ठीक है। और यहाँ पर टर्न ऑन करना है और आपका काम बन जाएगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी प्रकार से आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, सिंपली आप इस पे जाइए और उसको ऑफ़ कर दीजिए कॉल फॉरवर्डिंग को, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।